समाज सेवा की आड़ में बच्चों की तस्करी करने वाली राजश्री रंजीत सेन की काली करतूतों से पर्दा उठ रहा है। पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। जांच में पता चला कि एक वर्ष पहले भी उसने कर्नाटक को एक दंपति को बच्चा बेचा था। जानकारी मिलते ही एक टीम कर्नाटक के कुलबर्गी पहुंची। वहां से बच्चे को लेकर टीम नागपुर के लिए रवाना हो चुकी है। फिलहाल सेन और उसके साथी पिंकी उर्फ सुजाता लेंडे पुलिस की गिरफ्त में है। न्यायालय ने दोनों को पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए थे। कस्टडी में पुलिस ने सेन और पिंकी का मोबाइल फोन खंगाला। दोनों के मोबाइल पर बच्चों की तस्वीरें दिखाई दी। एक बच्चा उसने हैदराबाद में बेचा था। अधिक पूछताछ में उसने कुलबर्गी की एक दंपति को 1.5 लाख रुपए में बच्चा बेचने की जानकारी दी। शुरुआत में उसने UPI पेमेंट के जरिए उस दंपति से 37,000 रुपए लिए थे। पैसे आने के बाद उसने नोटरी कर बच्चा गोद लेने के दस्तावेज बनाए और बाकी रकम लेकर बच्चा उन्हें सौंप दिया। यह बच्चा कुही की एक महिला का बताया जा रहा है। बच्चे को लेकर लौटने के बाद उसकी मां से भी पूछताछ की जाएगी। पुलिस का कहना है कि राजश्री सेन बेसहारा और अनैतिक संबंध से गर्भवती हुई महिलाओं की तलाश में रहती थी। बराबर है, जब ये घटना हुई थी उसके बाद हमने प्रसार माध्यम के द्वारा और अपनी गोपनीय यंत्रणा भी हमने सतर्क की थी कि इस प्रकार के और बच्चों की ट्रैफिकिंग हुई है क्या, और उसमें हमें एक इन्फॉर्मेंट ने जो जानकारी दी थी उसके तहत ये एक राजश्री सेन, ये एक सोशल एक्टिविस्ट अपने आप को बताती है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। उसने एक बच्चे बेचने की बात सामने आई थी, एक और बच्चे का उसने अटेम्प्ट किया था, सौदा करने का प्रयत्न कर रही थी, और भी उसका ट्रैफिकिंग में और भी बच्चों को उसने सेल परचेज किया है क्या, इसके बारे में हम तहकीकात कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।